अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द जोया ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं लौकी गोश्त और ऑयल डाल के मैंने इसको प्याज है तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज के, इसको हम ब्राउन कर रहे हैं। प्रिपरेशन मैंने क्या की हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गोश्त है, तकरीबन ये 3 पाव गोश्त है, इसको मैंने बॉयल करके फ्रीज किया हुआ और टाइम सेव आप भी ऐसे कर सकते हैं तो जल्दी क्विकली ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो ये गोश्त है हमारे पास और ये लौकी है, ये तकरीबन 1/2 किलो है। इसके अंदर जो है मैंने क्या किया, इसको बड़ा बड़ा काट के पीसेस में देख सकते हैं। तो इसको हमने हरी मिर्चें डाल के बॉयल कर लिया, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। साथ में ये टमाटर है 3 मीडियम साइज के। मसाले क्या क्या है इसके अंदर, नमक है, हल्दी है, नमक एज पर टेस्ट डाल रहे हैं, हल्दी जो है 1 टेबल स्पून है इसके अंदर, जीरा है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून और ये थोड़ा सा गर्म मसाला दिया साबुत, ये है दालचीनी, इलायची, लौंग वगैरह मिक्स यानी गर्म मसाला जो है थोड़ा सा दिया है, तकरीबन 1 टीस्पून भी होगा ये। अब यहाँ प्याज लाल हो जाएंगे तो हम थोड़ा सा इसके अंदर कलर देना है, फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और मसाले वगैरह ऐड करके उसकी भुनाई करेंगे। हाँ जी, ये देखें लाल हो गया प्याज, अच्छा सा कलर आ गया इसका, ठीक है। अब इस स्टेज पर जो है हम इसमें ये गोश्त जो हमने बॉईल करके रखा हुआ पहले, अच्छा इसको गोश्त को बॉईल करते हुए मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट जी बेटी जी क्या, अच्छा मैं देती वीडियो बना रही ना, मैं देती देती हूँ। अच्छा इसमें फिर साथ ही मैंने ये टमाटो ऐड कर देना और साथ ही छोड़ो बाबा छोड़ो ये सारे मसाले जो मैंने डाले। अब मैं इसकी अच्छी से भुनाई करूँगी, ठीक है। गोश्त ऑलमोस्ट गला हुआ, थोड़ी सी इसमें कसर है तो ये भुनाई के दौरान प्रॉपर गल जाएगा। भुनाई करके मैं आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ, फिर हम इसमें लौकी ऐड करेंगे। हाँ ये देखिए टमाटर गल चुके हैं अच्छे से, जो हमने अभी ऐड किए थे गोश्त के साथ सारे मसालों के साथ, और इसकी भुनाई हो रही है अच्छी खासी अच्छी सी। तो ये इसका ऑयल निकल आएगा अभी बाहर, इतना हमने इसको भूनना है एज टिपिकल जैसे हमारी पाकिस्तानी कुकिंग होती है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी जो लौकी हमने उबाल के रखी है। देखें इसकी अच्छी सी शक्ल आ रही है जैसे जैसे भुनाई हो रही है। हाँ जी ये देखिए ये अच्छी तरीके से भुन गया, ऑयल इसका सारा सेपरेट हो गया जैसे कि आप देख लें। अब इस स्टेज पे जो हमने लौकी बॉईल करके रखी थी वो ऐड कर, गोश्त हमारा गला हुआ था, बॉईल किया हुआ था, इसलिए मैंने लौकी जो है वो इतनी आराम से गलती नहीं है, इसलिए हमने उसको बॉईल कर लिया। अगर आपका गोश्त कच्चा है आप उसको पका रहे हैं तो सेम प्रोसीजर करेंगे हम, गोश्त को पानी डाल के उसको पहले गला लेंगे यानी मसालों के साथ, और उसके बाद हम ये लौकी डालकर उसको दोबारा पका लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसलिए कि हमारा गोश्त गला हुआ था इसलिए हमने लौकी को भी बॉईल करके जस्ट मसाला भून के उसको ऐड कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा इसके अंदर शोरबा है जो लौकी के साथ पानी था, उसको अब हम मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे ताकि ये
लौकी के अंदर भी इसका टेस्ट आ जाए गोश्त का, और फिर इसको कवर करके बनाते हैं। अच्छा ये देखिए इसका फाइनल लुक है ये, अब ये तैयार हो गया, लौकी भी गल गई, गोश्त भी गला हुआ, तो ये मिक्सअप होके ज़बरदस्त सब इसको ठंडा होगा, इस पर ऑयल आ जाएगा और इसका यानी अच्छा सा इसको आ जाएगा, टेस्ट बिल्कुल ठीक है इसका, परफेक्ट है, क्योंकि हमने हरी मिर्ची लौकी के अंदर ऐड की थी, तो लौकी के अंदर भी टेस्ट आ जाएगा, बॉइल्ड टेस्ट नहीं आएगा, और साथ में लाल मिर्ची हमने गोश्त के अंदर ऐड की, तो इस तरीके से ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और लौकी हमारी रेडी है खाने के लिए। लौकी गोश्त ट्राई कीजिएगा, ऊपर से गार्निश कर दें धनिया वगैरह, हरी मिर्चें और अदरक वगैरह अगर आप डालना चाहें। सी यू लेटर, बाय।